दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरी पाठशाला पर। दोस्तों मिठाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिठाई के पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता है? लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, FSSAI ने ग्राहकों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। क्या है ये पूरी खबर, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राहकों को अब बाज़ार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी दी जाएगी। दरअसल खाद्य नियामक FSSAI ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी, यानी कि कब उसका इस्तेमाल कब से कब तक होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य कर दिया गया है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए, यानी कि उसकी अंतिम डेट एक्सपायरी डेट आपको बतानी चाहिए। FSSAI ने यह भी कहा है कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समय सीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि क्या सरसों तेल की प्योरिटी रहती है या फिर उसमें कुछ मिलावट भी की गई है, इसके बारे में क्या सूचना दी गई है। सरसों तेल की प्योरिटी पर कहा गया है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से अगर सरसों तेल में किसी तरह की मिलावट की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नियामक FSSAI ने इस बारे में आदेश जारी किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को एक पत्र लिखा गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के मिक्सिंग करने पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह से रोक होगी। आइए जानते हैं कि इसके नियम क्या क्या है, इसमें किस तरह से मिलावट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति इसमें दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नए नियम के तहत दो खाद्य तेल को आपस में मिलाया जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें उपयोग में लाए गए किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के हिसाब से 20% से कम नहीं होना चाहिए। नियामक ने कहा है कि अब भारत सरकार ने सोच विचार के बाद FSSAI को सरसों में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक हित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन और बिक्री को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी भरी नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।